हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन शिप राइड। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम राइड करने वाले हैं भोपाल टू उज्जैन बाय जुपिटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन शिप राइड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम राइड करेंगे भोपाल टू उज्जैन बाय जुपिटर। फ्रेंड, भोपाल से उज्जैन जो कि 190 किलोमीटर दूर है और इसमें हमको लगने वाले हैं फ्रेंड स्कूटी से 6-6.5 घंटे। बीच बीच में हम रुक रुक के जाएंगे और हमारा जो पहला स्टॉप है वो है आष्टा, सेकेंड है देवास और थर्ड हमारा जो फाइनली हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। और मैं भोपाल से निकल रहा हूं, सुबह के 5:40 हो रहे हैं और मैं पहुँच जाऊँगा उज्जैन दोपहर 12:30 के आसपास। तो फ्रेंड्स, अब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं पहला टोल प्लाजा आ गया है। ये आप देख सकते हैं पहला टोल है। अरे, अपने को निकलने की जगह नहीं है। एट्टी किलोमीटर तो आ गए हैं, 120 किलोमीटर और बची है। आप देख सकते हैं गाड़ी में अभी कोई प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है, गाड़ी मस्त चल रही है। और अभी मेरा देखिए फ्यूल भी अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। इसी के साथ चलिए चलते हैं आगे। रोड अच्छी है, रोड बिल्कुल एक नंबर रोड है। सेवेंटी एट किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। स्पीड मैंने 45 से 50 मेंटेन करके रखी है, नहीं चाहता गाड़ी खराब होए। थोड़ा सा यहाँ गाड़ी है श्री श्याम ढाबा और
काफी सुंदर व्यू है। रोड में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आप। तो ये है सेकंड टोल प्लाजा, अपने को तो कोई नहीं। ये आप देख सकते हैं सेकंड टोल प्लाजा है। किलोमीटर अपन ने पार कर चुका है। आस्था यहाँ पे बस आने वाला है, थोड़ा सा दूर है। इन बोर्डर्स पे देख लेते हैं कितना है आस्था यहाँ से। और आप देख सकते हैं आस्था यहाँ से 19 किलोमीटर दूर। बस आस्था हमारा फर्स्ट स्टॉप है। यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता जो भी है, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। और पानी की बॉटल तो मैंने रखा है, पानी तो है ही मेरे पास। तो ये है व्यू और ये है रोड और ये हमारी जुपिटर, इसको 81 किलोमीटर अंदर पार कर लिया है। और फ्यूल अभी भी फुल है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माइलेज देती। बस आप ये है कि 45 to 50 स्पीड रखें और इन सिटी 35-40 पे ही मतलब रखें स्पीड, तो काफ़ी अच्छा आपको माइलेज मिल जाता है। अभी हम देख सकते हैं आप 81 किलोमीटर और अभी शायद 2 लीटर ख़त्म हो गया होगा या 1.5 लीटर जो भी है। फ्यूल तो हमारा कल चल गया क्योंकि मैंने कल रात में ही फुल टैंक कराया था। गाड़ी में पेट्रोल पूरा ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा था और फुल टैंक कराया था। और अभी ज़्यादा इसमें लगा नहीं है, 80 किलोमीटर हमने पार कर लिया है। गाड़ी अच्छी है, अच्छी चल रही है। 2 लीटर चला गया होगा मेरे हिसाब से, क्या वो थोड़ा थोड़ा फ्यूल पंप में जो मशीन लगी रहती है वो कभी कभी सही भी नहीं बताती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही बताए हमेशा। आप देख सकते हैं आस्था 16 किलोमीटर, देवास 86 किलोमीटर है। देखिए विंड मिल दिख रहा है आपको, ये विंड मिल है देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं देवास। देखिए व्यू कितना शानदार आ रहा है, देख सकते हैं आप एकदम बिल्कुल इतना प्यारा व्यू है। रोड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पहले ऐसी नहीं बनी थी लेकिन अब देखिए आप बैरिकेडिंग बनी है। तो फ्रेंड हम लोग उज्जैन के अंदर कर चुके हैं, अब बस थोड़ी सी दूर है बस। तो अभी हम खड़े हैं शिप्रा नदी के रामघाट में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि शिप्रा नदी का काफ़ी महत्व है। इस नदी के किनारे लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस नदी के स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं अभी खड़ा हूँ रामघाट में और ये वही घाट है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था।
फ्रेंड्स, और शिप्रा नदी में स्नान के बाद मैं पहुंच गया बाबा महाकाल के दर्शन के लिए।